जो भी जितनी दुकानें यहाँ पर सारी ख़त्म सी हो गई हैं, शायद लॉकडाउन की वजह से लोग भाग गए हैं, जो किराया है यहाँ पर यहाँ का नहीं पे कर पाए या कुछ भी है, यात्रा बंद है, इसलिए लोगों ने दुकानें खोली नहीं अभी तक। कुछ कुछ दुकानें खुली हैं, ज़्यादा मंकीज ने तोड़ दी और ज़्यादा मंकीज जो हैं उन्होंने यहाँ पर ख़राब कर दी हैं दुकानें। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था गाइस, यहाँ पर हमने खाना खाया था तुलसी भोजनालय, और यहाँ से हमें नीचे स्नान घाट भी मिल जाता है। ये देखिए नीचे, अभी हम नीचे जाएंगे थोड़ा और ठंडे पानी का लुफ्त उठाएंगे थोड़ा सा। ये सीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, थोड़ा देखते हैं नीचे जाके। दुकानें तो गाइस यहाँ पर सब बंद है, बाणगंगा, और ये है बाणगंगा का स्नान घाट। यहाँ से बाणगंगा का स्नान घाट, सीढ़ी वाला रास्ता, नॉर्मल रास्ता। अगर आपको फोटोज वोटोज लेना है तो यहाँ पर फोटोज मिलती हैं। गीता मंदिर, नया रास्ता जो बनाया है गाइस, उसमें हम ओके अर्धकुंवारी से आगे हम बैटरी वाले व्हीकल ले सकते हैं। ओके अर्धकुंवारी तक हम चल के जाना पड़ेगा। ये देखिए दुकानों का क्या हाल हो चुका है, कैंडीज वेंडीज ऐसे छोड़ के चले गए लोग, बाकी रहती खुशती बंदरों ने खराब कर दी है। चलो होपफुली सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, तब देखेंगे, फिर यात्रा पे फिर से आएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर 24/7। अभी शायद बंद है। तूने मुझे तो गाइस आज तक तो आरती जो थी हम टीवी में देखते आए थे, और जितनी बार यहाँ पर पहुँचे हैं हम वैष्णो देवी में, कभी आरती में भर्ती नहीं हो पाए, क्योंकि आरती में मैक्सिमम 4000 पीपल दे अलाउड एट अ टाइम। तो आरती 7 से 8 बजे तक होती है, जिसमें कि बंद रहता है क्वाड,
और जितने लोग अंदर घुस गए वो आरती में बैठ सकते हैं, उसके ज़्यादा तो है नहीं। और अभी सिचुएशन ये है कि 4000 बंदे तब आरती में घुस पाते थे, बट सिचुएशन अभी ये है कि 1500 से 2000 बंदे भी नहीं यहाँ पर हैं। मे बी यहाँ पर 700-800 बंदे होंगे, काफ़ी कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं कहूँगा कि अगर पहले 100% लोग आते थे तो अभी सिर्फ 15-20% बंदे जो हैं यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। टामे वो भी 2-3 किलोमीटर के बाद हमें 2-3 बंदे दिख रहे हैं। और अभी हम ऑलमोस्ट 40% रास्ता जो है हमने कवर कर लिया है, और आगे 60% पड़ा है। अर्धकुंवारी जाएंगे, अर्धकुंवारी में दर्शन का मौका मिला तो वो भी करेंगे, और उसके बाद भवन में जाएंगे। यहाँ आप नीचे का नज़ारा देखिए, नीचे सिटी है मेरे पीछे, कटरा सिटी। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और पसीना देखिए गाइस, पूरी जो टी शर्ट है वो पूरी भीग पड़ी है। बहुत मज़ा आ रहा है, ऑलमोस्ट कल जिम नहीं किया है, जिम का मज़ा अभी आ रहा है, और हम मज़े ले रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय माता दी। और गाइस पीछे आप व्यू देख ही रहे हो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और एक बहुत बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर जो स्पीकर चल रहे हैं, माता के श्लोक चल रहे हैं, उनके भजन चल रहे हैं आते आते, वो हर जगह चल रहे हैं। जैसे आप जोन सी भी लोकेशन से आ रहे हैं, चाहे आप सीढ़ियों से आ रहे हैं, चाहे आप चल के आ रहे हैं, माता के भजन जो हैं कंटिन्यूसली बज रहे हैं, वो आपको अंदर और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से आप बढ़ते ही जाते हो माता का नाम लेके, और उसके दर्शन के लिए आगे आप निकल रहे हो। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है, और होपफुली हम अर्धकुंवारी के भी दर्शन करेंगे, जो कि हमने कभी नहीं किए, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ हमें वेटिंग लिस्ट लेनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, और या फिर होटल लेना पड़ता है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर वारी जो है हमें आती है। हम कभी कर ही नहीं पाए, तो आज मे भी हमें वो मौका मिलेगा। उसके बाद हम भवन में भी जाएंगे, उसमें आरती में शामिल होंगे। अगर हमें आरती में बैठने का मौका नहीं मिला तो हम वहाँ रात को रुकेंगे, रात को रुकने की फैसिलिटीज वहाँ है, मैं आपको पूरा आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और आप रुक सकते हैं। और मॉर्निंग आरती के बाद हम उतराई करेंगे, उतराई के बाद हम कटरा नीचे जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ, जय माता दी, लेट्स रॉक। अर्धकुंवारी गाइस हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर भी उजाड़ फैली हुई है, मतलब नेस्कैफे, सागर रत्ना, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे जो कि बंद हो रखे हैं, मतलब भोजनालय भी एक भी नहीं खुला है, सब बंद है, ऑलमोस्ट वैनिश्ड। पता नहीं कब से फिर से स्टार्ट होगा ये सब, बट अभी के लिए तो पूरी उजाड़ है। और हम अभी पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी, आगे दर्शन के लिए देखते हैं, मंदिर उधर है, उधर हमें जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। शारदा भवन, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हो तो निशुल्क यात्री निवास है, अभी तो वैसे ही जनता नहीं है, यात्री नहीं है, रुक भी सकते हैं यहाँ पर अगर रुकना पड़ा तो, बट अभी हम इतने भी थके नहीं कि यहाँ पर रुकें। और गए मंदिर में, अभी एक बंदा जाएगा, और एक बंदे को अभी भेज रहा हूँ मैं मंदिर में अंदर, उसके बाद मैं जाऊँगा सामान की रखवाली के लिए। सामने गाइस अर्धकुंवारी मंदिर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आर्मी के लोग, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हैं ध्यान रखने के लिए, और काफ़ी बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, आप देख सकते हो पीछे पहाड़ी, बीच में मंदिर, और मंदिर में कम लोग, बढ़िया दर्शन, खुले दर्शन, बहुत ही बढ़िया जो मौका है मिला है लॉकडाउन में, और इस कोरोना टाइम में मास्क पहनने की ज़रूरत तभी है जब आसपास आपके बहुत से लोग हैं, बट रास्ते में हमें कोई लोग मिले ही नहीं, मतलब हम अकेले अकेले ही आए हैं, ना किसी के साथ कॉन्टैक्ट, ना कोई प्रॉब्लम, तो इसलिए बहुत बढ़िया लगा, खुले दर्शन होंगे, बहुत खुशी हो रही है। नहीं तो नॉर्मल टाइम पे यहाँ पर अर्धकुंवारी पे इतनी भीड़ रहती है कि आपको दर्शन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत सी भीड़। अब पूरे जो रूम पीछे आप देख रहे हैं ये पूरे फुल रहते हैं, इसमें आपको कमरा मिलेगा ही नहीं, अभी ये पूरे के पूरे खाली हैं। और अभी एक दोस्त गया अंदर, उसका मैं सामान रख के बैठा हूँ, और उसके बाद मैं भी जाऊँगा दर्शन करके आऊँगा, फर्स्ट टाइम एवर अर्धकुंवारी के दर्शन। कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर माता जो हैं
बाल अवस्था में या फिर बच्चों के बच्चे के अवस्था में यहाँ पर 9 मंथ तक गुफा में रही थी। और ये गुफा काफ़ी छोटी है, अभी मैं कभी गया तो हूँ नहीं, बट अभी जाऊँगा अभी और देखूँगा अंदर जाके कि कैसा लगता है, और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस आके बताऊँगा। तो जय माता दी। और यहाँ पर मंदिर जो है अंदर, मेन जो टेंपल है गुफा, वो ड्यू टू COVID-19 बंद है, आप दूर से दर्शन कर सकते हो। और काफ़ी खुले दर्शन हुए हैं दूर से, अंदर नहीं जा पाए, बट बहुत शांति है, बहुत ही कम लोग हैं। और आगे से रास्ता जो है भवन का, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है, हम यहाँ से निकल रहे हैं भवन के रास्ते में। यहाँ सामने लिखा हुआ है भवन का रास्ता। मंकी बहुत हैं इसीलिए बहुत डर रहा है, लग रहा है कैमरे का कि कैमरा ना छीन के ले जाएं, या फिर क्योंकि अभी अभी किसी का प्रसाद छीना है, तो इसलिए आपके हाथ में स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड और बहुत ही अच्छा वाला रास्ता है। ऑलमोस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी जो है भवन तक की रह गई है। अर्धकुंवारी से हम निकल चुके हैं। नया रास्ता, प्लेन रास्ता, कठिन रास्ता नहीं है ये, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही इस रास्ते में। यहाँ पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री सर्विस या निःशुल्क पानी जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर मेरे दोस्त वहाँ पर देख रहे हैं कि पानी अवेलेबल है या नहीं। बटन दबाइए और पानी लीजिए, फ्री, ठंडा, नॉर्मल और गर्म पानी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर TDS वैल्यू भी जो है वो दी गई है 157, जो कि बेस्ट वैल्यू है, ऑलमोस्ट बेस्ट वैल्यू है। तो अच्छा वाटर है ये, प्योर वाटर। और यहाँ से पानी पी के ना आगे निकलेंगे। तो यहाँ गाइस भोजनालय एक खुला है अर्धकुंवारी के बाद, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू भवन। और यहाँ से हमने दो चाय और एक प्लेन राजमा लिए हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है 54 रुपीस में। और यहाँ सामने हम पर्ची देंगे। हाँ तो गाइस, हर बार की तरह हमने यहाँ पर भोजनालय जो है खुला है, और हमने यहाँ से राजमा चावल लिए हैं। पहले तो ये 70-80 रुपीस के होते थे, अभी थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ा है, बट नॉट दैट हाई। और दो चाय ली हैं, देखिए राजमा, राजमा और चावल बहुत फेमस है यहाँ पर भोजनालय में। और साथ में चाय, चाय कैसी है? बढ़िया जी, बढ़िया, बढ़िया। ओके, और वेल मेंटेन भोजनालय होता है, उसके बाहर सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन भी है, जिससे कि आप सैनिटाइज करके अंदर आइए अपने हाथों को, और बंदरों से बच के रहिए। जय माता दी। अदरवाइज ऑलमोस्ट भवन के पास हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको जो लाइटिंग दिख रही है वो है पवित्र भवन श्री माँ वैष्णो देवी जी का। तो अगर गाइस आपको यहाँ से अधिकारी तक वापस जाना है आफ्टर दर्शन, तो आप यहाँ से बैटरी कार की जो है टिकट ले सकते हो। टिकट अवेलेबल 236 पर पर्सन, टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, और यहाँ से आप बुक कर सकते हो। पर्ची चलती रहती हैं गाड़ियाँ। और यहाँ पर डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, अकोमोडेशन 120 रुपीज़ पर बेड, 10 AM to 3 PM। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस हमने दर्शन जो है वो कर लिए हैं। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर पहुँचे ऑलमोस्ट अराउंड 7:10 or 7 o'clock, तो दर्शन के लिए भागे, मतलब पूजा होती है 7 से 9 बजे तक। वी थॉट कि अगर पूजा में जाके बैठेंगे तो वहाँ पर लाइव आएंगे और मतलब पूजा में शामिल हो पाएंगे, जैसे कभी हुआ नहीं। तो आगे जाके हमें पता लगता है कि पूजा की तो जो आरती की जो टिकट है, जो पूजा होती है, आरती होती है, उसकी जो टिकट है वो 2000 से स्टार्ट है। अगर आपके पास वो टिकट है तभी आप आरती में जो शामिल हो सकते हो। तो उसके बाद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये कैसे इतना भागे, मतलब नीचे से ऊपर तक आधा 1 किलोमीटर भागे हैं जल्दी जल्दी में कि बैठना है जाके, तो ये मिला। चलो बाकी उसके बाद 9 बजे किवाड़ खुले और हमने दर्शन जो है वो कर लिए हैं। और नहाने के बाद यहाँ पर नहाने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं नियर टू गेट नंबर 4 और गेट नंबर 3। आप वहाँ पर जेंट्स बाथरूम
अवेलेबल हैं। कास्ट 40,000 लोग जो दर्शन करने के लिए आते थे, बट अभी जो है 400 बंदा भी शामिल जो है नहीं हो पा रहा पूरा दिन में। टोटल बंदे जो अलाउड हैं वो है 2,000 बंदे, जिसमें कि कुछ इनके स्टेट के हैं और बहुत कम जो है अदर स्टेट से आ सकते हैं विद देयर कोरोना रिपोर्ट और अदर स्टफ विच यू हैव सीन इन माई वीडियो। और प्रसाद आप लेके जा सकते हो, बट वो चढ़ेगा नहीं अंदर क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस वो अंदर चढ़ेगा नहीं। आप जस्ट लेके जा सकते हो, नारियल एक्सचेंज होगा, नारियल आपको एक नया नारियल दे दिया जाएगा मंदिर की तरफ से। बाकी प्रसाद जो है वो नहीं मिलेगा, जो मिश्री का प्रसाद मिलता था वो भी नहीं है अभी मिल रहा। बट दर्शन जो हैं वो खुले हो गए, मतलब पहले तो जैसे अंदर गए, मेरी हमेशा वैष्णो देवी आने में यही एक डिसअपॉइंटमेंट रहती थी कि मैं इतना दूर से आया हूँ 10 घंटे का सफ़र करके, मतलब इतना दूर से चल के, और मेरे को सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्शन हो पाते हैं और मैं अच्छे से दर्शन कर भी नहीं पाता था। मतलब 2-3 बार आया हूँ, मेरे कभी अच्छे से दर्शन नहीं हुए। अभी संगत ही नहीं है, मतलब यात्री ही नहीं है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो आके, ऑलमोस्ट लाइक 1 or 2 मिनट्स के लिए आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो, पुरानी गुफा का, नई गुफा का, पिंडियों का दर्शन आराम से कर सकते हो विद सोशल डिस्टेंस। आपको मास्क पहनना है एवरी टाइम और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो अंदर भी बोलते हैं आर्मी वाले बंदे। और मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बैग, ये सब कुछ आपको पता ही है ये अलाउड नहीं, आपको लॉकर में रखना है और लोकल रखने के बाद आप दर्शन जो है कर सकते हैं। और अभी हम खाना खाएंगे और खाना खा के निकलेंगे हम भैरव घाटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने सोचा कि हम सीधा अभी भैरव घाटी की तरफ जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके सीधा नीचे जाएंगे होटल की तरफ और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और टुमारो हम आगे की जर्नी जो है, अगर कोई डिसाइडेड जर्नी है तो वो आगे जर्नी करेंगे। तो अभी आपको मैं मिलता हूँ सीधा भैरव घाटी में, बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय माता दी। तो अभी गाइस हम पहुंच रहे हैं भैरव घाटी में और यहाँ पर आप देखिए भवन का नज़ारा, वो ऊपर जाना है हमें 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है भैरव घाटी की, ये रास्ता फॉलो करते हुए वो ऊपर से रास्ता ऊपर 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 टॉप पे जाना है हमें और टॉप पे भैरव घाटी का मंदिर है। हेलो गाइस, ये है श्री वैष्णो देवी भवन। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर एक टाइम पे सोने की जगह नहीं होती, मतलब ये रास्ते पे लोग सो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 31st December, बट नॉर्मल टाइम पे भी इतनी भीड़ होती है, ये जैसे एक देवड़ी बनी है वो देवड़ी है, कहीं भी लोग मतलब कंबल लेके वहाँ पर पड़ जाते हैं और दर्शन की लाइन आप देखिए, ये दर्शन की लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्मल दर्शन जो है वो दूर से स्टार्ट होती है, पूरी खाली है, सर्कल बना रखे हैं अंदर सोशल डिस्टेंस के लिए बट इसका कोई महत्व नहीं है। पूरी लाइन जो है, पूरी लाइन टिल द भवन खाली है, गिनती के 50 लोग एक बार दर्शन कर रहे हैं, 50 या 70, और 500 लोग टोटल एक दिन में दर्शन कर रहे हैं, 400-500 मैं कह दूँ। और यात्रा पर्ची जो है वो आप प्रिंट आउट लेके आइए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा वहाँ पर गेट पे सुरक्षाकर्मी ऐसा मिल जाएगा, मे बी आपको अलाउ ना करे, हमें तो अलाउ कर दिया क्योंकि हमने बोला कि हमारी जो यात्रा पर्ची है वो फ़ोन में है, बट उसने अलाउ कर दिया हमें कि चलो ठीक है आप, बट आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत लेके आना, तो बेटर रहेगा आप यात्रा पर्ची का प्रिंट आउट लेके आए, घर से ही बेटर है। तो आप फिर आप क्लॉक रूम में या लॉकर रूम में अपना सामान रख के आगे दर्शन कीजिए नॉर्मल टाइम पे, या फिर 31st December को। इससे भी बड़ी लाइन लगती है, लोग मेरे को लग रहा है कम से कम 70-80 हज़ार लोग और मे बी 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए 3-4-5 घंटे लग जाते हैं, सेम लाइक तिरुपति, और हर जगह मेरे को लग रहा है कि यही सिचुएशन होगी, चाहे वो तिरुपति है, चाहे वो वैष्णो देवी है, या कोई भी धाम लगा लो, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो ये है गेट नंबर 5, यहाँ से हमने एंट्री की थी और यहाँ पर टेम्परेचर चेक करके आपको भेजते हैं। हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल है, कटरा से सांझीसत, कटरा सांझीसत कटरा अप डाउन 3,460 रुपीज़, और साथ में आपको कोविड किट केयर भी लेनी पड़ेगी, 1-way 75 रुपीज़, 2-way 150 रुपीज़।
मतलब टोटल आपको ऑलमोस्ट 3600 देना पड़ेगा अगर आप अप डाउन करते हैं सांझी सच से कटरा तक हेलीकॉप्टर में। यहाँ पर पिंडियों के दर्शन आप कर सकते हैं लाइव, अंदर पिंडियों के दर्शन हैं ये लाइव आप देख सकते हो। वैसे आप MH1 पे लाइव डेली देखते हो आरती, बट ये यहाँ पर लाइव दर्शन जो हैं वो चलते ही रहते हैं। अभी MH1 पे भी रिसेंटली अलाउ किया है उन्होंने, और ये आप दर्शन करिए और जय माता का नाम लीजिए। और हम आगे जा रहे हैं भैरव घाटी में, काफ़ी सख्त रास्ता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है, सीधी सीधी चढ़ाई नहीं है, हमें ऐसे करके जाना है, तो टाइम लगेगा वहाँ पर जाने के लिए, मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर, आई थिंक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट टाइम थोड़ा लेगा क्योंकि यात्रा जो है ये वाली थोड़ी डिफ़िकल्ट है। सारी शॉप रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट सब क्लोज है। यहाँ से स्टार्ट होती है भैरव घाटी मंदिर की यात्रा 2 किलोमीटर।